तो आप लोगों ने वीडियो देखी है, वो बनाना सीखते हैं। बिल्कुल आसान काम है। दो तरह की वीडियो वह बन सकती है, दोनों तरीके आप लोगों को बता देता हूँ। पिक्सल ऐप एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, इसको ओपन कर लें। इसमें सेट करने के बाद ये देखिए, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये एक मैंने पट्टी ली है, दोबारा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तहरीर को फ़िलहाल साइड पर करता हूँ, इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों ने सिंपल एक शेप ना, अच्छा साइज़ के बारे में पहले बता दूँ, ये जो साइज़ है इमेज का, ये आप लोग देख लें, 720 और 1280 रखना है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, ओके। साइज़ वाला ऑप्शन आप लोगों को पता ही है, ये वाला पहले ये दबाना, फिर ये ऑप्शन आएगा, वरना अगर ये बटन दबाएंगे ये तो ये नहीं आएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये दरमियान वाला बटन दबाएंगे, ये वाला जिसके ऊपर अब निशान नज़र आ रहा, तो शेप वाला ऑप्शन आ जाएगा। शेप आप लोगों ने ले लेनी है। शेप को लेने के बाद यहाँ पे सेट कर लें, और नीचे बहुत सारे कलर हैं, नीचे आने के बाद यहीं से जो भी आप लोगों को कलर पसंद है ले लें। ठीक है, उसके बाद इसी की कॉपी ले लें, और एडिट वाले ऑप्शन से इसका उसको सेलेक्ट करें, और एडिट वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इससे जो भी आपने सेलेक्ट किया ऊपर वाली जो उसकी कॉपी है उसका कलर ब्लैक रख लें। अच्छा, इसी का ब्लैक हो गया, इसको यहाँ पर जितना छोटा बड़ा करना, ये देखें पकड़ के इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोग तहरीर लिख लें, तहरीर नीचे चली गई तो ए वाला बटन दबा के फ्रंट पे लें, यानी कि हम चाहते हैं तस्वीर तहरीर फ्रंट पे, तो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, और आगे कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, शेयर कर दें। ठीक है, जो भी आप लोग लिखना चाहें, मैं तो एक सैम्पल वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को, सिर्फ बताने के लिए कि वीडियो बनती कैसे है। बाकी क्रिएटिविटी आप लोग अपने इस्तेमाल से जाए, जितना सोचेंगे, इसको भी फ्रंट पे ले आता हूँ उस हिसाब से आएगा। ठीक है, ये अब वीडियो तैयार हो चुका है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेट कर लूँ, फ्रेम तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो लेयर वाला ऑप्शन है आप सबको पता ही है, यहाँ से मैं तहरीर को आँख वाले बटन से छुपा देता हूँ, और ये दोबारा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन जो है ये वाला, इसको दबा के ट्रांसपेरेंट वाला बटन दबाता हूँ। ठीक है, ये तभी आएगा जब बैकग्राउंड वाला बटन दबाएंगे, और इमेज को यहाँ पे मैं खाली सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसी तहरीर को ले आए, और एक दफ़ा ऐसे भी सेव कर लें। ये दोनों काम मैंने क्यों किए हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट ऐप को आप लोग ओपन कर लें, और यहाँ से वीडियो जमा, और वीडियोस के अंदर जाके बहुत सारे वीडियोस हैं। एक वीडियो छोटी बच्चे की, मेरे बेटे की है, इसकी मैं वॉइस बंद कर देता हूँ, ये शरारतें कर रहा है, तो वॉइस मैं नहीं सुनाना चाह रहा, फिलहाल आप लोगों को सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वही साइज़ है, ये वही साइज़ है जो मैं रखा था, ये था 720 और ये था 1280। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से PIP गैलरी से वही जो हमारे डिज़ाइन है फ़ोटोज़ के अंदर जाके, क्योंकि हमें तस्वीर की ज़रूरत है, तो ये तीन डिज़ाइन है, मैं पहले ये सादा फ्रेम लगा लेता हूँ, और ये वाला बटन जो है इसको दबाऊंगा तो ये खुद खुद फिट हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट में ये ऑप्शन होता है, फिट होगा। ठीक है, उसके बाद या ये ऐसे फ्रेम फिट कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं इस फ्रेम को डिलीट करता हूँ, या ये वाला बटन दबाता हूँ तो वापस चले जाते हैं यहाँ पे हम पहले थे। उसके बाद दोबारा मैं एक दफ़ा PIP या PLP जो भी बटन है इसको दबा के ये वाला ले आता हूँ, ऐसे फिट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फ्रेम को मुकम्मल सेट कर लें जितनी वीडियो है, तो ये आप किस तरह की शॉर्ट वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जो दूसरा ऑप्शन था मैं वो देखता हूँ, ये वाला जो खाली फ्रेम है इसको ले आता हूँ, और जो पुराना है उसको डिलीट करता हूँ, और इसको पकड़ के फुट फिट करके, अब इसका क्या फ़ायदा और उसका क्या फ़ायदा दोनों में समझ लें, उसके ऊपर तहरीर हिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेट करके टेक्स्ट ले आता हूँ, और बिना लिख लेता हूँ यहाँ पे बच्चे की शरारतें। यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह आप लोग ऐड किए हुए हैं, जो भी आप लोगों ने का लगाना हो लगा लें, यहाँ पर रख लें, कलर वगैरह आप लोगों को पता है कैसे चेंज करने हैं, और यहाँ पर रख लें शरारतें का रा डालना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर रा लगा लें। ठीक है, और यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे करें, और इसको तहरीर को पूरा कर लें, और उसके बाद यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन से
एनिमेशन लगा सकते हैं, वो पहले वाली तो एनिमेशन के बगैर थी, ये एनिमेशन है ठीक है। इस तरह लगा सकते हैं, एनिमेशन का टाइम रख लें कितने सेकंड चले, मैं चाहता हूँ 4 सेकंड में ये तहरीर आए। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है ठीक है। अब जब तहरीर ये वीडियो चलेगी तो कुछ इस तरह होगा ठीक है। या अगर दूसरी कोई एनिमेशन है और भी सा काफ़ी सारी हैं, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर आपको एनिमेशन नज़र आ रही हो ठीक है। तो बग़ैर एनिमेशन के भी आप लोग वीडियो बना सकते हैं और एनिमेशन के साथ भी बना सकते हैं ठीक है। चले दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।